हेलो सो मेरा नाम विजय। सो ये मेरे पास में एप्पल का लेटेस्ट आईफोन SE 3 या फिर आप कह लो आईफोन SE 2022 एडिशन जो कि आता है सेम प्रोसेसर के साथ में एप्पल A15 जो कि आईफोन 13 सीरीज में यूज़ कर रहा है ना, भले वो 13 मिनी हो या फिर 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स हो, सेम A15 बायोनिक प्रोसेसर यूज़ हुआ है सारे फोन्स में। और ये फ़ोन लगभग आधे प्राइस में, आधे से भी कम प्राइस में सेम प्रोसेसर लेके आ जाता है, लेकिन डिज़ाइन कैरी करता है आईफोन 8 वाली जो कि चली आ रही है 2017 से लेके, फिर रीयूज हुई आईफोन SE में 2020 में, और फिर वापस से आ गई दोस्तों 2022 में इस चंकी बेजल्स के साथ में आईफोन SE 3 के साथ में। देखना ये होगा कैसा यहाँ पे निकल के आता है ये आईफोन SE 3 और क्या एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करा देता है, जिसके बारे में डिटेल में आगे हमने इस वीडियो में बात करी है अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसी आईफोन SE 3 या आईफोन SE 2022 की। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बॉक्स आईफोन SE 3 का जो कि सेम डिज़ाइन कैरी करता है जैसे कि आईफोन 13 सीरीज कैरी करती है, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक हमें यूज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सील को बहुत ही इजीली ब्रेक करने के लिए बस आपको ये पेपर यहाँ से रिमूव करना है। बहुत ही एक पतला सा बॉक्स है दोस्तों, तो ईजी गैस है कि यहाँ पे हमें कोई भी चार्जर नहीं देखने के लिए मिलने वाला है बॉक्स के अंदर। मैंने दोस्तों इस फोन को परचेज करा है व्हाइट कलर में, जो कि एप्पल अपने स्टाइल में बोलता है स्टारलाइट कलर, जो कि बेसिकली व्हाइट कलर ही है, थोड़ा सा इस बार ज़्यादा क्रीमी कर दिया गया है और बहुत ही एक एस्थेटिक लुक दे देता है इस फोन को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें टाइप सी टू लाइटनिंग वाली केबल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप 20 वॉट के अडेप्टर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये फ़ोन। उसके बाद डिज़ाइन बाय एप्पल, सिम कार्ड इजेक्टर टूल, और यहाँ पे एप्पल का सिर्फ एक स्टिकर जो कि सेंस बनाता है, इतने सारे स्टिकर देना वर्थ नहीं है, बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में, आते हैं अपने आईफोन SE 3 की तरफ, प्लास्टिक रैपिंग को रिमूव करते हैं और उसके बाद दोस्तों मैं इस फ़ोन को कुछ दिनों यूज़ करूंगा और आपके साथ आगे इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों डिज़ाइन की अगर बात करते हैं तो फोन आता है फुल ग्लास डिज़ाइन के साथ में, जहाँ पे पीछे की तरफ भी ग्लास है, आगे की तरफ भी ग्लास है। और अच्छी बात यह है कि वो सेम ग्लास यूज़ करा गया जो कि आईफोन 13 सीरीज़ में यूज़ करा गया है। सेरेमिक शील्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, स्क्रैचेस के खिलाफ यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। दूसरे यहाँ पे ये फ़ोन IP67 वाटर रेजिस्टेंसी के साथ में भी आता है, तो 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक आपका फ़ोन वाटर में सर्वाइव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईफोन 8 की तरह सेम डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाती है एज आई सेड, तो काफ़ी चंकी से बेजल्स यहाँ पे जरूर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ पे टच आईडी हमें देखने के लिए मिल जाती है, मतलब फिजिकल होम बटन देखने के लिए मिल जाता है। और टच आईडी एक ऐसी चीज़ है जो कि आज की डेट तक भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत लोगों का प्रेफरेंस रहेगा। और यहाँ पे डिस्प्ले भी ना सेम आईफोन 8 की तरह यूज़ करी गई है, जो कि SE 2020 में भी हमें देखने के लिए मिली थी, जहाँ पे 4.7 इंचेस का पैनल हमें देखने के लिए मिल जाता है इस फोन के साथ में, जो कि आता है 720p रेजोल्यूशन के साथ में। रेजोल्यूशन के मामले में थोड़ा सा कम निकल के आ रहा है दोस्तों, ये फोन डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा गया है। रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 2022 के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों एप्पल की डिस्प्ले है, तो यहाँ पे एप्पल बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी की सारी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करा देता है। इस डिस्प्ले की अच्छाइयों की अगर बात करूँ तो वाइडर कलर गैमेट के साथ में देखने के लिए मिल जाती है डिस्प्ले, जो कि बहुत ही कलर एक्यूरेट सी आपको प्रोवाइड करा देती है इस डिस्प्ले के साथ में। 625 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिल जाती है, तो इवन ऑन द ब्राइट सनलाइट यहाँ बहुत ही अच्छे से आपका फ़ोन काम करने वाला है और कोई भी इसमें आपको इशू नहीं आएगा। इस फोन के साथ में ट्रू टोन भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एप्पल का एक फीचर है कलर एक्यूरेसी के लिए। यहाँ पे दोस्तों इस डिस्प्ले के साथ में यूट्यूब में ना आप HDR कंटेंट देख सकते हो 4K में। अब दोस्तों मेन हाईलाइट जो इस फोन की है ना, वो है इस फोन का प्रोसेसर, एप्पल का A15 बायोनिक प्रोसेसर, जो कि एक 6-कोर CPU के साथ में आता है, एक 4-कोर GPU के साथ में आता है और 16-कोर न्यूरल इंजन के साथ में आता है, जो कि किसी भी एंड्रॉयड फोन के मोस्ट पावरफुल फोन को उठा लेना ये परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा दोस्तों। यहाँ पे रैम भी अपग्रेड कर दी गई है इस बार फ्रॉम 3GB टू 4GB। उसके बाद यहाँ पे 5G इनेबल कर दिया गया है इसी A15 प्रोसेसर के द्वारा, जो कि मोर देन 15 बैंड्स के साथ में आता है, तो प्रोसेसर और नेटवर्क साइड में ना ये फोन मतलब एकदम निखर के उभर के आ रहा है। इस स्मॉल फॉर्म फैक्टर में दोस्तों इससे पावरफुल फोन एग्जिस्ट नहीं करता है, और आने वाले बहुत सालों तक इसी स्मॉल फॉर्म फैक्टर को बहुत ही कन्वीनियंटली आप यूज़ कर सकते हैं इसी पावरफुल A15 प्रोसेसर के साथ में, जो कि Geekbench में भी ना किसी भी मोस्ट पावरफुल एंड्रॉयड फ़ोन को स्मैश कर सकती है ऑन सिंगल कोर, ऑन मल्टी कोर, सबसे टॉप एंड आपके
रिजल्ट निकल के आ जाएंगे इस फोन के साथ में परफॉर्मेंस के मामले में। अब दोस्तों परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो आप सोचेंगे कि मैं गेम भी प्ले कर लूँ इस फोन में। तो पबजी में दोस्तों यहाँ पे मैंने टेस्ट करा कि HDR में एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है ये फोन और 60 FPS का हमें फ्रेम रेट भी देखने के लिए मिल जाएगा इस फोन के साथ में। लेकिन एट द सेम टाइम डिस्प्ले यहाँ पे छोटी है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गेमिंग के लिए इस फोन को लीजिए, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। उसके लिए दोस्तों एंड्रॉयड वर्ल्ड में आपको बहुत सारे फोन देखने के लिए मिल जाएंगे। आईफोन 50,000 के अंदर अंदर का ना मैं नहीं बोलूंगा कि कोई भी गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा। प्रो मॉडल्स की तरफ आप जा सकते हैं या फिर नॉर्मल जो 13 है वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको गेमिंग करनी है। ये फोन इज नॉट मेड फॉर गेमिंग, लाइट गेमिंग आप यहां पे कर सकते हैं जहां पे डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी हमें देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के साथ में। अब दोस्तों A15 ना एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करते हैं A14 के साथ में तो ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस डिफरेंस निकल के आता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मेन चेंज करा गया ना वो करा गया ऑप्टिमाइजेशन में और बैटरी एफिशिएंसी में। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है एप्पल का A15 बायोनिक, जहाँ पे न्यूरल इंजन में बहुत ज्यादा काम करा गया है, मशीन लर्निंग में काम करा गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करा गया है। तो एक कंप्लीट आपको ऑलराउंड बेटर एक्सपीरियंस निकाल के दे देगा यही A15 प्रोसेसर। दोस्तों बात करते हैं इस फोन की एक और हाईलाइट के बारे में, जो कि इस फोन का कैमरा। तो ऑन पेपर और यहाँ पे देख के आपको लगेगा कि क्या सिर्फ एक सिंगल कैमरा यूज करा गया है 2022 में, खराब सा निकल के आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसी सिंगल कैमरा के साथ में एप्पल ने मैजिक कर दिया। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने के लिए मिल जाता है विद F1.8 अपर्चर, जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है फॉर बेटर स्टेबल वीडियोज और यहाँ पे मच स्टेबल फोटो कैप्चरिंग। और यहाँ पे दोस्तों ये फोन 5x का डिजिटल जूम प्रोवाइड कराता है, जो कि 2022 के स्टैंडर्ड में अगेन कम लग रहा है, लेकिन जितना भी कराता है इमेज यहाँ पे बिल्कुल फटती नहीं है और काफी डिटेल रिच इमेजेस रहती है 5x जूम के साथ में इस फोन के। यहाँ पे दोस्तों आता है फोटोग्राफिक स्टाइल के साथ में, जो कि एप्पल का ही फीचर है एक, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छे से ऑप्शन देता है, जो कि आपकी कलर टोन आप चूज कर सकते हैं, वाइब्रेंट, वार्म, कूल और सारे ही फोटोज में उसको अप्लाई कर सकते हैं, बार बार आपको फिल्टर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत यूजर्स के लिए कन्वीनियंट हो सकता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं पोर्ट्रेट्स की ना, तो सिंगल कैमरा के साथ में बहुत ही अच्छे AI को यूज करके यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज बहुत अच्छी निकल के आ जाती है और पोर्ट्रेट स्टाइल्स भी दे रखी है एप्पल ने, जिसमें आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडियो लाइटिंग टू स्टेज लाइटिंग, बहुत ही सारे ऑप्शंस यहाँ पे एप्पल ने हमें प्रोवाइड करा दिए। फ्रंट कैमरा के साथ में भी दोस्तों पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम करता है, जहाँ पे हमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अगेन यहाँ पे पुराना सेंसर यूज करा गया है, लेकिन AI के द्वारा और A15 के ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं। नाइट मोड दोस्तों यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है फोटोज में, जो कि बहुत यूजर्स के लिए कन्वीनियंट हुआ करता था और एप्पल यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट भी कर सकता था। आई डोंट नो क्यों नहीं करी गई है, बिकॉज A15 बायोनिक एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो यहाँ पे नाइट मोड इंक्लूड कर सकते थे, जो कि नहीं करा। और एक और चीज मिसिंग है यहाँ पे, जो कि है सिनेमैटिक वीडियो, जो कि आईफोन 13 सीरीज में लॉन्च करी गई थी। ये मैं मान सकता हूँ कि ये सेंसर सपोर्ट नहीं कर पाएगा उस चीज को, लेकिन नाइट मोड यहाँ पे जरूर से ऐड कर देना चाहिए था। उसके बावजूद यहाँ पे काफी अच्छा सेंसर है, यहाँ पे 4K एट 60 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्मूथ निकल के आ रही है इस फोन के साथ में। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा के साथ में भी ना, तो 1080p एट 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फोन के साथ में, जो कि कम है कंपेयर टू द आईफोन 12 सीरीज, जो कि 4K सपोर्ट करती थी, और 11 भी एटलीस्ट 4K सपोर्ट करता ही है, 4K एट 30 और 60 विद फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है, लेकिन मच बेटर एज कंपेयर टू एनी अदर फोन इन दिस प्राइस रेंज दोस्तों। उसके अलावा कैमरा में हमें स्मार्ट HDR4 का और स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि साउंड रिकॉर्डिंग को ना एकदम प्रोफेशनल बना देता है और मच क्लियर बना देता है। तो कैमरा यहाँ पे कंप्लीट ऑलराउंड यूज करा गया है, एंड एज आई सेड यहाँ पे ये एक एंथुसियास्ट फोन मैं मान सकता हूँ, जहाँ पे लोगों को मच पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर चाहिए और काफी आइकॉनिक सी डिजाइन चाहिए। सॉफ्टवेयर साइड में दोस्तों ये फोन आता है लेटेस्ट iOS 15.4 के साथ में, जो कि एप्पल ने जस्ट रिलीज करा है, और इस फोन को जो अपडेट भी मिलने वाली है ना वो सेम आईफोन 13 सीरीज की तरह ही देखने के लिए मिल जाएगी, बिकॉज सेम प्रोसेसर कैरी करता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्पल से कि 5, 6, 7 साल तक आपको कंटिन्यूस अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी इस फोन के साथ में, और सिक्योरिटी पैचेस भी अपडेट होते रहेंगे इस फोन के साथ में। तो उस
के बारे में बिल्कुल फिकर नहीं रहेगा। यहाँ पे साउंड भी दोस्तों यहाँ पे स्टीरियो यूज करा गया, तो स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें डुअल स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, वन ऑन द बॉटम साइड और वन ऑन द टॉप साइड, जहाँ पे ईयर पीस के अंदर यहाँ पे स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा है, अगर आप इस पोजिशन में अगर अपने फोन को यूज करते हैं तो फ्रंट फायरिंग एक्सपीरियंस आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ज्यादा लाउड एंड द बेस्ट बेस ऑन एनी फोन दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में ना, तो ये एक मेजर कॉम्प्रोमाइज है दोस्तों उनका 2022 के स्टैंडर्ड में, बिकॉज आजकल हम लोगों को आदत पड़ गई है फुल डे बैटरी लाइफ की, जहाँ पे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार mAh की बैटरी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे में आईफोन SE 3 आता है सिर्फ एक लगभग 2000 mAh की बैटरी के साथ में, एप्पल यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में ये फोन आता है। चार्जर अनफॉर्चुनेटली आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पे लगभग आधे घंटे में 50% एप्पल क्लेम करता है कि ये फोन चार्ज हो जाता है, जो कि एकदम सही निकल के आ रहा है। 30 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 50% विद द 20 वॉट एप्पल चार्जर ये फोन चार्ज हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों वायरलेस चार्जिंग की ना, तो यहाँ पे वो भी सपोर्ट है, लेकिन ये क्विक वायरलेस चार्जिंग नहीं है जो कि iPhone 12 mini में देखने के लिए मिला करती थी। वैसे 12 मिनी के साथ में भी इस फोन का कंपैरिजन बहुत ही जल्दी चैनल पे ड्रॉप हो जाएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो उससे एप्पल क्लेम करता है कि यहाँ पे 20% ज्यादा बैटरी लाइफ निकल के आ जाएगी इस फोन के साथ में, थैंक्स टू द A15 प्रोसेसर फ्रॉम एप्पल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरी टेस्टिंग में अराउंड 4 आवर्स का ही स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा है, जहाँ पे मैंने गेमिंग भी नहीं करी, सिर्फ मिक्स यूजेज करा, जहाँ पे मैंने यूट्यूब रन करा और बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करी। तो अपने फुल डे यूजेज में लगभग 4 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम के साथ में फोन यूज करा, यहाँ 4 घंटे के आसपास मतलब खत्म हो जाता है ये फोन। अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करते हैं इस फोन को 4 घंटे तक, तो ये फोन खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप पावर यूजर नहीं है तो एटलीस्ट शाम तक तो ये चली जाएगा, लेकिन फुल डे बैटरी लाइफ फोन हमें प्रोवाइड नहीं कराता है अनफॉर्चुनेटली। प्राइसिंग की दोस्तों अगर बात करते हैं, तो इंडिया में ये फोन अवेलेबल है 43,900 का फॉर द 64 GB वेरियंट। यहाँ पे दुबई में मैंने इस फोन को परचेस करा है अप्रॉक्सीमेटली 38,000 इंडियन रुपीज का, जो कि है 1850 दिरहम, जो कि दुबई की करेंसी है। यहाँ पे 128 GB वेरियंट अगर आप इंडिया में परचेस करते हैं तो वो आता है 48,900 का, और यहाँ पे 58,900 का इसका 256 GB वाला वेरियंट आता है। एक टिप देना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे 128 एटलीस्ट यहाँ पे परचेस करिएगा इस फोन का, प्राइस ड्रॉप बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलता है ऐसी सीरीज के अंदर, तो 1 या 2 महीने में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा, तो तब आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस फोन का, आप वहां से परचेस कर सकते हैं इस फोन को Amazon इंडिया के द्वारा। अब दोस्तों ये फोन है किसके लिए, मतलब किस यूजर्स को टारगेट करता है ये फोन, तो सबसे पहले एंथुसियास्ट जो होते हैं, दूसरे यहाँ पे जो फोन को अपना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, एक सेकेंडरी फोन की तरह यूज करते हैं इस आईफोन SE को, या फिर जो बहुत ही कम यूजेज के साथ में करते हैं फॉर वॉचिंग मूवीज, फॉर यूट्यूब, फॉर ब्राउजिंग, उनको ये फोन टारगेट करता है यहाँ पे, और काफी मीनिंगफुल और सिंपल सा फोन निकल के आ जाता है इसी 43,000 के पैकेज के अंदर दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल में दोस्तों रिव्यू शेयर करने की कोशिश करी है, वीडियो लंबी हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपने।